डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप। ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रुप क्या होता है और नॉन एम्प्टी सेट। जी, अब ये जी हमने जनरली बताया, जी कोई भी सेट हो सकता है। इज सेट टू बी ग्रुप। इसको हम ग्रुप कह सकते हैं इफ़ इसके लिए हमारे पास कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है, जी होल्ड्स कुलैयर ला विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री ऑपरेशन स्टार। तो पहली कंडीशन ये है कि कोई भी अगर सेट आप देखना चाहते हैं कि वो ग्रुप है, कि उसमें कुलैयर ला होल्ड करे, सेटिस्फाई करे। दूसरी कंडीशन उसकी ये है कि जी होल्ड्स एसोसिएटिव ला, के एसोसिएटिव ला को वो होल्ड करे, सेटिस्फाई करे। दूसरी कंडीशन ये है, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या है, कुलैयर लॉ को सेटिस्फाई करे। तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि जी हैज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। जी जो है उसमें एक यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्टार, कि उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो। चौथी कंडीशन ये है कि जी हैज इनवर्स इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का जो है हमारे पास ईच एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई ये बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी स्टेरिक। और ये हमारे पास जो है चार कंडीशन, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट पूरी करेगा तो उसको हम ग्रुप कहते हैं। पहला कुलैयर ला, दूसरा एसोसिएटिव ला, तीसरे नंबर पर आइडेंटिटी है और चौथे नंबर पर इनवर्स है। ये तरतीब बड़ी अहम है, इसी तरतीब के साथ आप जो हैं चलेंगे। तो इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में इस तरह लिखते हैं। जो नॉन एम्प्टी सेट होता है उसको पहले लिखते हैं और उसके बाद जो है यहाँ जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा वो यहाँ लिखेंगे। तो इसको हम इस तरह ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखते हैं। उसके बाद ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेट जो हैं इनमें से किसी एक, दो या तीन या चार कंडीशन को सेटिस्फाई करें, तो फिर उसके लिए हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं ग्रुप पाइड। अच्छा, ग्रुप पाइड में क्या है कि अगर कोई सेट सिर्फ पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है, यानी कि कुलैयर ला होल्ड करता है, तो फिर हम कहते हैं ग्रुप पाइड है। उसके बाद है सेमी ग्रुप में क्या होता है। अब आप देख रहे हैं कि जो ग्रुप की कंडीशन है हमारे पास कितनी है, चार है। तो सेमी का मतलब होता है हाफ। अगर पहली दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कोई भी सेट जो है, यानी कि उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है और कुलैयर लॉ होल्ड होता है, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास सेट है ये सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप के बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन है जो है मोनाइड की। अब मोनाइड क्या होता है,
जिसमें हम जो है पहली तीन कंडीशन सेटिस्फाई हों, पहली, दूसरी और ये तीसरी कंडीशन। तीसरी क्या है? आइडेंटिटी वाली। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये जो है ये मोनाइड है। तो अगर एक कंडीशन यानी कुलाइयर लॉ होल्ड कर रहा है तो ग्रुपाइड कहते हैं, अगर साथ में एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है तो फिर हम उसको सेमी ग्रुप कहते हैं, और अगर साथ में आइडेंटिटी भी है तो उसको हम मोनाइड कहते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास ए बिलियन, या इसको हम कहते हैं कमोटेटिव ग्रुप, यानी ऐसा ग्रुप जो कि कमोटेटिव लॉ होल्ड करता है। इफ अ ग्रुप जी होल्ड्स कमोटेटिव लॉ, विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री ऑपरेशन टैरिफ, देन इट इज कॉल्ड एबिलियन लॉ, या इसको हम कहते हैं कमोटेटिव लॉ। तो ये इसकी जो है डेफिनेशन है, काफ़ी अहम डेफिनेशन है। तो अब हम जो है एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि ये एबिलियन ग्रुप है, ताकि ये सारी कंडीशन जो हैं इसमें पूरी हो जाएं। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2.8 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। 5 में ये कह रहे हैं कि आप शो करें, शो दैट दी सेट, सेट को मैं इतना ले लेता हूँ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और इसमें ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के इक्वल है, इज़ एन एबिलियन ग्रुप। तो ये हमने प्रूव करना है ये एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लाइकेशन। तो मल्टीप्लाइकेशन के लिहाज से हमने इसको एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। एबिलियन ग्रुप में एक कमोटेटिव लॉ भी प्रूव करना होता है। सॉल्यूशन शुरू करता हूँ मैं यहाँ से। तो लेट कर लेता हूँ इस सेट को एस के इक्वल, और ये आपको याद होगा हमने इसका टेबल बनाया था, इसका हम टेबल बना लेते हैं यहाँ, और ये इसका टेबल हो गया, और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने डॉट ले लिया है। ये हो गया हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर। अब आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को ओमेगा से करेंगे ओमेगा स्क्वायर से करेंगे, ओमेगा को 1 से करेंगे ओमेगा को ओमेगा से करेंगे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा को ओमेगा पावर 2 से करेंगे तो ओमेगा पावर 3 आएगा। तो ओमेगा को जब मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा पावर 3, और ओमेगा पावर 3 जो है 1 के इक्वल है, तो यहाँ हम 1 ले लेंगे। ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब बनेगा, ये फिर 1 हो जाएगा, ये ओमेगा पावर 4 बन जाएगा। यानी ओमेगा पावर 4 को आप लिखेंगे ओमेगा पावर 3, ओमेगा ओमेगा पावर 3 1 हो जाएगा, ये ओमेगा आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब ये आप यहाँ से देख रहे हैं टेबल में कि हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है, और ये हमारे पास इसके आंसर आ रहे हैं, और कोई भी इस सेट से बाहर नहीं जा रहे। तो आप यहाँ लिखेंगे कि एस हैज़ कुलैयर ला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन, यहाँ लिख देंगे इट इज़ क्लियर फ्रॉम टेबल। तो ये टेबल से क्लियर हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास एसोसिएटिव ला।
एसोसिएटिव लॉ के लिए मैं तीनों एलिमेंट को ले लेता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ, ये सॉरी एक्स की पावर टू है, इधर फिर मैं इन तीनों को ले लेता हूँ और इधर मैं ब्रैकेट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पर लेता हूँ और इधर वन और ओमेगा पर लेता हूँ। अब आप ये देखें कि ये दोनों साइड इक्वल आती हैं कि नहीं आती, इसको ज़रा सॉल्व करें, ये हो जाएगा ओमेगा पावर थ्री। ओमेगा पावर थ्री जो है ये वन के इक्वल लेते हैं, ये हमारे पास वन आ जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, इसको मल्टीप्लाई ओमेगा पावर थ्री, ये वन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एस है हमारे पास, एस हैज़ एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड कर रहा है, यानी कि यहाँ फर्स्ट को उसने सेटिस्फाई कर दिया तो ग्रुप वाइड कह सकते हैं इसको, सेकंड को कर लिया इसने तो सेमी ग्रुप भी कह सकते हैं आप। अब आप जो है एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर दिया इसने, अब हम तीसरे नंबर पर चले जाते हैं कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा। एस हैज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वन है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कैसे, अब वन को अगर आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा आता है, अच्छा वन को आप मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, अच्छा वन को मल्टीप्लाई करेंगे वन से वन आ जाएगा। इसी तरह अगर इनकी जगह चेंज कर लें, ओमेगा और वन को मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर और वन को करें इसी तरह वन, तो दोनों सूरत हाल में हमारे पास आंसर जो है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और वन आता है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट इसका वन हो गया। उसके बाद हमने देखना है कि एस हैज़ इनवर्स, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कैसे, कि जो है वन का जो इनवर्स होगा वो वन होगा, ओमेगा का जो इनवर्स होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर, और इस तरह ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स जो होगा वो ओमेगा होगा। कैसे होगा, यानी कि वन को जब आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा, इसी तरह हम ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से या ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये आइडेंटिटी बनेगा, और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से या ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई तब भी आइडेंटिटी आता है। तो ये क्या हो गया, ये हर एलिमेंट का इनवर्स भी आ रहा है। और पांचवें नंबर पर ये है कि एस हैज़ कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कमोटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है। तो अगर मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को देखूं या ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करूं तो ये होल्ड होता है, ये देखें ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब और ये हो जाएगा वन इज इक्वल टू वन, तो ये होल्ड हो गया, कमोटेटिव लॉ को भी होल्ड कर रहा है। तो लिहाजा आप लिखेंगे दस एस और ये आप इधर जो बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन और ये सेट है, इसका ऑर्डर पेयर लिख लेंगे इज एंड एबिलियन ग्रुप। तो इसमें हमने प्रूव कर दिया है कि ये वाकई एक एबिलियन ग्रुप है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।